अभिनय मंच द्वारा 2 दिवसीय 9 और 10 सितंबर को ख्वाहिशे थिएटर फेस्टिवल का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बॉलीवुड के फेमस एक्टर शेखर शुक्ला और अश्विनी कौशल की एक्टिंग और डायरेक्शन की वर्कशॉप हुई, जिसमें कि मध्य प्रदेश के कलाकारों को एक्टिंग और डायरेक्शन की बारीकियां सिखाई गई। उन्होंने बताया कि फिल्मों में काम करने के लिए अभिनय की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जिससे वो मुंबई के स्ट्रगल से बच सकते हैं। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में इन दोनों कलाकारों ने अपने एक्टिंग करियर से जुड़े कई एक्सपीरियंस भी बताए, साथ ही बड़ी बेबाकी से बॉलीवुड से जुड़ी तमाम बातों पर अपनी राय भी रखी। 800 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने इस थिएटर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और इस मौके पर अभिनय मंच के संस्थापक शिखा भारद्वाज, अली खान और मयंक महियावंशी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उसके बाद में ट्रेंड छड़ जाए, फिर वही, फिर आप और मैं ही बैठे, हम लोग बात ही नहीं करेंगे साउथ की। तो फिर क्या वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर साउथ फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं? अभी सिर्फ कब दर्जन फिल्में हैं जो आने को अभी तो पहले भी करते थे, हिम्मत वाला, जितेंद्र साहब तो साउथ फिल्में की रीमेक कर करके, मैंने साउथ की फिल्में रीमेक करके एज अ विलन मैंने की हुई है। मेरे सपनों की रानी पहली सुंदरी, ईवीपी सत्यनारायण की तमिल पिक्चर सूर्यवंशम, ये पिक्चर थी के राघविंद राव की, मैंने उर्मिला मातोंडकर की विलन हीरोइन थी, मैं विलन था, संजय कपूर पहली सुंदरी पिक्चर थी, मेरे सपनों की रानी थी ये पिक्चर, ये सारा तो 97-98 की भी बात कर रहा हूँ। मैंने 10 फिल्में की, टीएलवी प्रसाद की मिठुन का दौर था, सारी तमिल की रीमेक, जिसमें मैं वो उनका टकला जो साउथ का विलन था जो मरिया, वो सारे सब साउथ के रीमेक ही थे। ये आजकल कोई नई बात नहीं है। और वैसे देखने जाए तो दुनिया में प्लॉट जो है ऐसा भी फैंस रहते थे, अभी 2-3 साल से देख रहे हैं हम कि जो फिल्में हैं वो टिकट खिड़की पर तरस रही हैं पैसे के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनका गिरा पड़ा हुआ है, क्या वजह देखते हैं? और वहीं साउथ की फिल्मों की बात करें तो 500 करोड़, 1000 करोड़। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, तब वो सिंगल थिएटर चलता था, टिकट के रेट्स भी बहुत कम थे, फिल्में बनती थी भी कम मार्जिन में, कम बजट में। आज के दिन में ये सब डिजिटल का ज़माना आ गया, इतने मल्टीप्लेक्सेस बन गए, इतनी स्क्रीन है, एक एक स्क्रीन पे अगर कोई बड़ी फिल्म आ रही है तो दिन के 10-10 शो कर रही है एक स्क्रीन में। मैंने पता चला कि वो 4 दिन जो है फ्राइडे सैटरडे संडे वो 4,000 से 5,000 स्क्रीनों में लगी हुई है और एक एक में समझो 8-8, 10-10 शो हो रहे हैं, तो 3 दिन में जो कलेक्शन आ गया तो 1,000 करोड़ के ऊपर जाता है मामला। लेकिन बॉलीवुड को आकाश पाला भाई, बॉलीवुड में पैसे बरस रहे हैं, इसका क्या कारण? वो तो अभी ये अभी थोड़ा बहुत दिखने मिलता है ना, शायद वो कौन सा असर है अभी मैडम ने बताया वैसे, शायद वो वेब सीरीज वाला हो सकता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो सकता है, शायद वो साउथ की फिल्में आई जो ज़्यादा अभी लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी, वो शायद अच्छी है, हमारी थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन यही स्टार है जो हम लोगों ने उनको मैंने अच्छी अच्छी फिल्में देख के इतने बड़े स्टार बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात अभी वापस जो मैडम ने बताई कोविड, मैंने बोलते ना तो कुछ चीज़ें आ गई लेकिन उसका रिफ्लेक्स बाद में भी आता है, उसकी असर बाद में भी दिखने मिलती है, तो शायद कोविड में लोग सीख गए हैं कि क्या करना है, कितना करना है, कितना एंटरटेनमेंट बजट डालना है, कितना खाने में डालना है, कितना घर में डालना है, तो मे बी ये भी एक रीज़न होगा कि लोग अब जो विदाउट रिव्यू फ्राइडे फर्स्ट शो चले जाते थे वो आज के दिन में कम हो गए हैं, लोग सोच के समझ के लोगों से पूछ के जाते हैं कि फिल्म कैसी है और देखने जाते हैं, जबकि मेरा खुद का सालों से रूल है आज के दिन मैं किसी से रिपोर्ट नहीं लेता, क्या साउथ मुझे देखनी है तो मैं देखने चला जाता हूँ बस, क्या साउथ के दादे